तूफान में लहराएंगे जुल्मो सितम, वक्त के तूफान में लहराएंगे जुल्मो सितम, आसमां में यह तिरंगा उम्र भर लहराएगा। मैं अपने प्राचार्य महोदय को उनके बहुमूल्य स्पीच के लिए इनवाइट करती हूं। सर प्लीज। मोस्ट रेस्पेक्टेड आवर वाइस चांसलर, आवर लर्नेड टीचर्स ऑफ बोथ शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, सम गेस्ट्स हु आर प्रेजेंट हियर इन दिस 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, एंड ऑल आवर फैमिली मेंबर्स ऑफ आवर केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी। आज हम 73वीं गणतंत्र दिवस की जयंती हमारे विद्यालय में पूरे देशवासियों के साथ, पूरे देश के साथ बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और ये दिन हमारे देश के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों पे लिखा जाने वाला एक ऐसा दिन है जिस दिन हमें मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। संविधान का निर्माण जब 1947 में देश आजाद हो चुका था अंग्रेजों की दास्तां से, उसके बाद हमारे देश के निर्माताओं को एक ऐसे संकलन की जरूरत पड़ी, एक ऐसे संविधान की जरूरत पड़ी जिससे कि पूरे देश को इतने बड़े विशाल बृहद उपमहाद्वीप, जिसको हम कहते हैं भारत उपमहाद्वीप, उसको चलाने के लिए एक सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में चलाने के लिए जो संकलन बना 1947 के बाद दो वर्षों के समय में, वो संविधान आज ही के दिन हमारे देश में लागू किया गया और एक हमारा देश एक गणतंत्र देश कहलाया गया। आप सब लोग परिचित हैं बहुत अच्छी तरीके से कि आज ही का दिन 26 जनवरी क्यों चुना गया था। दरअसल आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1930 को 1930 में भारत को एक पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। इसीलिए 1950 में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो 26 जनवरी का दिन जो कि पूर्ण स्वराज का दिवस था, पूर्ण स्वराज घोषित करने का दिवस था, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू किया गया और हमारा देश एक गणराज्य, एक लोकतांत्रिक देश बना। और इसका सबसे बड़ा जो लोकतंत्र पूरे विश्व में जो लोकतंत्र है वो भारत है। सबसे ज्यादा मतदाता यहां पर रिकॉर्ड है जो कि प्रत्येक 5 सालों में अपनी व्यवस्था के अनुसार अपनी सरकारें चुन करके, अपने मार्गदर्शक को चुन करके, मत के प्रयोग करते हुए, वोट का प्रयोग करते हुए चुनते हैं और देश के, देश को आगे विकास के रास्ते पर बढ़ाते हैं। स्वतंत्रता का मतलब ही नियमों का संकलन है। बहुत सारे लोग इन नियमों के संकलनों को अपने ऊपर इंप्लीमेंट होते हुए नहीं देखना चाहते थे उस समय, लेकिन देश के विकास के लिए नियमों का संकलन होना, नियमों को लागू होना, अधिकारों का बोध होना और साथ ही साथ कर्तव्यों का बोध होना बहुत ही आवश्यक है। और इतने वर्षों के अंतराल में आपने फिर इतिहास को देखा होगा कि हमेशा यहाँ पर यहाँ के संसाधनों को का विदोहन किया गया बहुत बुरी तरीके से। उसके पश्चात 1947 और 1950 भारत के संविधान दिवस के लागू होने के बाद
इतने वर्ष बीत गए और हमारा देश अब एक विकासशील देश का जो अभी तक उसके पास जो तमगा था, अब वो एक विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की ओर को कन्वर्ट हो गया, बदल गया। और उसका पूरा का पूरा श्रेय देश के जो नीति निर्देशक है, देश के निर्माता है, आम जनता है, वो युवा संख्या है जिसने कि अपने रात दिन की मेहनत से उन नियमों को फॉलो किया और देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाया। बहुत ऐसे क्षेत्र हैं आज, बहुत ऐसे देश हैं दुनिया के जहाँ की इंडियंस यानी भारतीय अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, वहाँ की सरकार में भी योगदान दे रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रहे हैं और चहुंमुखी विकास में अपना समर्पित, अपना सब कुछ समर्पित करके विकास कर रहे हैं। तो आप सभी को मैं इस 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अपने हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और हमारा ध्येय बिल्कुल साफ है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हम यहां पर हैं और बाध्य हैं। ये बाध्यता अगर हम अपने मन मनोयोग से ये कार्य करें तो ये बाध्यता खत्म हो जाती है। हमारा मुख्य उद्देश्य, मुख्य ध्येय केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी को विकास के रास्ते पर ले जाना है, साथ ही साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, साथ ही साथ बच्चे अच्छे परिणामों के साथ आगे बढ़ें, नई कक्षाओं में जाएं, अपने कैरियर को बनाएं। ये हमारा उद्देश्य है, होना भी होना चाहिए और हम सभी लोगों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो फिर एक बार पुनः मैं आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। होगा, अब मैं इसी क्रम में अपनी शिक्षक साथी सुमन कन्नौजिया मैम को उनकी एक पोयम के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुमन कन्नौजिया मैम। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यश गान से, लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यश गान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें हमारी मातृभूमि से, हमें हमारी मातृभूमि से, इतना मिला दुलार है उसके अंचल की छैया से, ये छोटा सा संसार है, ये छोटा सा संसार है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय उप प्राचार्य महोदय, मेरे विद्वान साथियों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं एक छोटी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि इस प्रकार है, और साथ ही मैं अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सत नमन करती हूँ। मेरी जो ये कविता है ये आज के युवा पीढ़ी के लिए एक आह्वान है। कविता इस प्रकार है, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, नई प्रात है नई बात है, नई किरण नई सांस है, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, डाल डाल पर बैठ विहग, डाल डाल पर बैठ विहग, कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भोरे मस्त उधर मंडराते हैं, नवयुग की नूतन वीणा में, नवयुग की नूतन वीणा में राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, कली कली खिल रही इधर, कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, नूतन मंगल में ध्वनियों से,
नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत दीपक जला ज्ञान के, शत दीपक जला ज्ञान के, नव युवक का आह्वान करो, नव युग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। शिफ्ट से सीमा आर्या मैम को आमंत्रित करती हूँ उनके वक्ति। सम्मानित सदस्यों एवं हमारे प्यारे विद्यार्थियों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आप सभी को आज हम सभी यहाँ भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं और इस बात की मुझे बेहद खुशी है। गणतंत्र का अर्थ है देश के नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का कड़े संघर्षों के बाद हमें ये आजादी मिली। उनकी इस कड़े संघर्षों के बाद जो ये आजादी हमें मिली, जिसके कारण हमारा भारत का संविधान बना, एक ऐसा संविधान जिसे विश्व का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान होने का गौरव प्राप्त है, एक ऐसा संविधान जिसमें हमारे देश के सभी नागरिकों को मूल कर्तव्य, नियम एवं कानूनों का उल्लेख है। हम अपने देश के प्रति हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने ऐसा किया कि हम आजादी में जी सकें, हम इस स्वतंत्रता का आनंद ले सकें और हमारी आगामी पीढ़ियां इस देश में बिना किसी संघर्ष के जी सकें और हमारा ये देश आगे बढ़ सके। ऐसे महान अवसरों पर हमें हमेशा उन्हें याद करना चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए। हमारे देश में अनेक ऐसे वीर और वीरांगनाओं ने जन्म लिया और अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपना सर्वस्व हंसते हंसते इस धरा पर न्योछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और न जाने कितने ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। किंतु इन्हीं के साथ कई ऐसे नाम हैं जो विस्मृत हैं, अकीर्तित हैं और आजादी के इस अमृत महोत्सव में मैं उन नामों को पर भी प्रकाश डालना चाहूंगी जिन्हें हम अनसंग फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। शायद इनमें से कई ऐसे नाम हैं जो कभी नहीं सुने गए, लेकिन इनका ऐसा योगदान है जिनको हम कभी भुला भी नहीं सकते। जैसे हम कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा फटता है, हर एक छोटी चिंगारी भी आग को भड़काने के लिए काफी होती है। इसी तरह से हम इन नामों का जिक्र किए बिना इस आजादी के पावन अवसरों को पूरा नहीं कर सकते। मतांगिनी हजरा, अरुणा आसिफ अली, सीराम अल्लू, भिकाजी कामा, तारा रानी श्रीवास्तव, कमला देवी, गैरीमल्ला सत्यनारायण, त्रिपुर कुमारन आदि इन्हीं में से एक है और आज मैं इन्हीं में से एक विस्मृत स्वतंत्रता सेनानी के बारे में यहाँ बताने जा रही हूँ, पीर अली खान। पीर अली खान शायद हम में से कई ऐसे हैं जिन्होंने आज तक इनका नाम नहीं सुना होगा। पीर अली खान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मुजफ्फरबाद में इनका जन्म हुआ। 7 वर्ष की आयु में ही ये अपना घर को त्याग करके पटना पहुंच गए। वहां इन्हें एक जमींदार ने आश्रय दिया, इनका पालन पोषण अपने पुत्र के साथ किया और इनकी शिक्षा इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। पटना में इन्होंने एक पुस्तकों की दुकान खोली। कहने को ये पुस्तकों की दुकान थी पर ये पुस्तक की दुकान से कहीं ज्यादा एक केंद्र था, एक केंद्र जहां सभी स्वतंत्रता सेनानी आपस में मिल सकते थे, एक ऐसा केंद्र जहां वो इन सारी स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों का पात्र बन सकते थे। पीर अली एक विस्मृत नाम है लेकिन कहा जाए तो ये 1857 की क्रांति के एक मुख्य पात्र रहे। ये अपनी इनकी जो दुकान है, इनकी दुकान पर कई सारे स्वतंत्रता सेनानी आते और
ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई सारी साजिशें रचते थे। एक बार इन्होंने दानापुर छावनी में सैनिकों के साथ एक इसी तरह की योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्यवश इनके दो पत्र अंग्रेजी सैनिकों को मिल गए, जिससे उन्हें इनकी साजिश में संलिप्तता का पता चल गया। लेकिन तो फिर भी पीर अली खान ने अपने एक सहयोगी मौलवी मैदवी की सहायता से इन्होंने 50 बंदूकों का प्रबंध किया और उन्हें अपने सहकर्मियों के साथ वितरित कर दिया। किंतु 4 जुलाई 1857 को ब्रिटिश सरकार ने पीर अली के साथ उनके 33 अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया और अगले ही दिन बिना किसी सुनवाई के उनमें से अधिकांश अनुयायियों को बिना किसी सुनवाई के फांसी दे दी। और काफी प्रताड़ित करने के बाद, काफी बेरहम तरीके से प्रताड़ित करने के बाद पीर अली खान को 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई। सुनने में ये कथा इतनी कुछ रोचक नहीं है या फिर इससे इतना भी नहीं पता चलता कि इन्होंने ऐसा क्या अनोखा किया, लेकिन फिर भी इस पे प्रकाश डालने का मेरा मकसद यही था कि बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे सुंदर सेनानी हैं जिनका कभी स्मरण नहीं किया जाता है, जिनका नाम इतना हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये मौका मिला कि आजादी के इस पावन अवसरों पर और ऐसे महान अवसरों पर हम इन शहीदों को याद करें। एक बार फिर से मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और अपने शब्दों को और आप सबका धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे मंच पर आकर मेरे विचार अभिव्यक्त करने का मुझे मौका दिया। अपने शब्दों को विराम मैं कुछ पंक्तियों के साथ देना चाहूंगी। चढ़ गए जो हंसकर सूली, चढ़ गए वो जो हंसकर सूली, खाई जिन्होंने सीने पर गोली, हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। मर गए मिट गए, मर गए मिट गए जो इस देश पर, हम उन सबको सलाम करते हैं। जय हिंद जय भारत। प्राचार्य महोदय, आज के मुख्य अतिथि, सम्मानित शिक्षक वृंद, आभासीय माध्यम से जुड़े हुए सभी बच्चे एवं उनके माता पिता और विभिन्न विद्यालयों से आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए हुए सम्मानित अतिथिगण, इस 73वें गणतंत्र दिवस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री टीपी आर्य सर ने बहुत एक विस्तृत जानकारी जो हमें इस दिन के महत्व को बताती है उस पर डाली और हम सबको लाभान्वित किया। इस कार्यक्रम में जो आह्वान किया गया कि एक केंद्रीय विद्यालय के साथी और शिक्षक होने के नाते हम सबके जो कर्तव्य हैं उन पर पुनः एक सोच दी और एक उस दिशा में अग्रसर रहने की एक हमें सीख दी। मैं सर आपको ये आश्वासन देती हूं कि हमारे सभी केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी के शिक्षक वृंद उस कार्य के लिए अपनी 100% देने के लिए तैयार हैं और हमारा ये एक नैतिक दायित्व और कर्तव्य भी है जिसे हम सभी लोग अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ कर रहे हैं। और हमारे बच्चे जो हमारे एक कहना चाहिए रिफ्लेक्शन है जो हम करते हैं उसका, वो हमारे बच्चे एक हमसे सकारात्मक ऊर्जा लेंगे और एक जिम्मेदार और एक समर्थ और एक भारत को अग्रणी देश बनाने के लिए अपना यथासंभव प्रयास करेंगे। इसी श्रृंखला में हमारी सम्माननीय सुमन कनौजिया मैडम ने एक पोयम एक दी, उसके लिए भी उनका मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देती हूं। एवं मैडम सीमा आर्या जिन्होंने एक वार ऑफ अनसंग हीरोज जो हमारा आजादी के अमृत महोत्सव में चल रहा है कार्यक्रम, उसमें माननीय श्री पीर अली खान जी के बारे में बताया, वो भी एक इस
कार्यक्रम के लिए, उनको भी इस सूचना और इस पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ मैडम रवि प्रभा जोशी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक सूत्र में पिरोया और हम सबके सामने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। जैसा कि मालूम है, किसी भी कार्यक्रम के लिए बहुत सारे लोग अपना परोक्ष और अपरोक्ष कार्य करते रहते हैं, और उसी वॉर ऑफ अनसंग हीरोज में हम लोग भी सब शामिल हैं, जो पर्दे के पीछे से साइलेंट वर्कर्स हैं और अपना कार्य निष्पादित कर रहे हैं। उन सब का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। उसमें हमारे विद्यालय के सभी कार्मिक, चाहे वो रेगुलर हो या कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हो, सभी उसमें अपना 100% दे रहे हैं, वो सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में सभी को पुनः एक बार कोटि कोटि नमन एवं कोटि कोटि धन्यवाद। और ये भारत एक राइज लाइक ए शाइनिंग स्टार इन द होराइजन एंड मेक ए निश इन द वर्ल्ड एरा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।